जाने माने फिल्म अभिनेता और बॉलीवुड के खिलाड़ी प्राण का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुक्रवार शाम मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। प्राण 93 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। प्राण ने जब आखिरी सांस ली तब पूरा परिवार उनके साथ लीलावती अस्पताल में मौजूद था। लीलावती अस्पताल से जैसे ही प्राण के निधन की खबर आई, बॉलीवुड के साथ पूरा देश गम में डूब गया। प्रधानमंत्री ने प्राण के निधन पर शोक जताया। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की होगी बैठक, सोनिया गांधी करेंगी अध्यक्षता। संसद सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस शासित राज्य में खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को लागू कराने के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद मोर्चा संभाला। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने राजीव गांधी के जन्मदिन पर खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को लागू करने की घोषणा पहले ही कर दी है। झारखंड में हेमंत सोरेन आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। हेमंत सोरेन होंगे राज्य के नौवें मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन के साथ सहयोगी दलों के 2 और विधायक भी शपथ लेंगे। तो 2 विधायक हेमंत सोरेन के साथ आज शपथ लेंगे। रॉयटर्स पर दिए इंटरव्यू में गुजरात दंगों पर नरेंद्र मोदी का आपत्तिजनक बयान। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर कार से कोई कुत्ता भी कुचल जाता है तो दुख होता है। कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे हैं, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं, और कोई ड्राइव कर रहा है। साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के बारे में सवाल पूछे जाने पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है, पूरी ताकत से दंगों को रोकने की कोशिश की। गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा। फ्रस्ट्रेशन तब आएगा कि यार मैं पकड़ा गया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 के दंगों पर सफाई देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित हुई एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दी। मोदी ने कहा कि दंगा पीड़ितों के साथ जो हुआ उससे दुख हुआ। अब तक विकास की बात करने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू कार्ड खेला है। एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो राष्ट्रवादी हैं और हिंदू भी हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्रवादी कहलाने में उन्हें कोई एतराज नहीं है। नेशनलिस्ट, आई एम अ पैट्रियोटिक, नथिंग इज रॉन्ग। आई एम अ बॉर्न हिंदू, नथिंग इज रॉन्ग। सो आई एम अ हिंदू नेशनलिस्ट, सो यू कैन से यस आई एम हिंदू नेशनलिस्ट बिकॉज आई एम अ बॉर्न हिंदू। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने मोदी का बचाव करते हुए कहा कि मोदी ने कोई भी आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर ना पेश किया जाए। इंटरव्यू में दिए गए मोदी के बयान से सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने निंदा की, कहा सबको पता है गुजरात दंगों का दोषी कौन है, मोदी को आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी अजय माकन ने मोदी के कुत्ते वाले बयान पर सख्त एतराज जताते हुए कहा कि यह विकृत मानसिकता है, मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी के बयान पर जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने मोदी को मानसिक रोगी करार दिया है, कहा मोदी को इलाज की जरूरत है। समाजवादी पार्टी ने मोदी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दरअसल नरेंद्र मोदी ये सब वोट के लिए कर रहे हैं, मोदी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेता अर्जुन मोदवाडिया ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है मोदी का असली चेहरा सबके सामने आ गया है, मोदी वोट की राजनीति कर रहे हैं। तेलंगाना के जटिल मुद्दे पर कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक हुई। तेलंगाना मुद्दे पर नहीं आ सका कोई फैसला। बैठक खत्म होने के बाद बोले दिग्विजय सिंह, कांग्रेस वर्किंग कमेटी करेगी फैसला। अलग तेलंगाना मुद्दे की मांग को लेकर आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी समेत तेलंगाना एवं गैर तेलंगाना इलाकों के कांग्रेस नेता दिल्ली पहुंचे। तेलंगाना पर कांग्रेस की मीटिंग को बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु ने फिजूल बताया है। कैप्टन अभिमन्यु के मुताबिक साल 2002 में मनमोहन सोनिया ने तेलंगाना का वादा किया था, जिसे अब 10 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। तेलंगाना के समर्थक कांग्रेस के नेताओं ने आंध्र प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से की मुलाकात। तेलंगाना मुद्दे पर हुई मंत्रणा। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना समर्थकों की तरह अब तेलंगाना विरोधी भी इकट्ठा होने लगे हैं। संयुक्त आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर विशाखापट्टनम में शुक्रवार को बंद बुलाया गया। यूपी में मुलायम का गढ़ माने जाने वाले इटावा में ही एक लड़की को गैंगरेप के बाद जिंदा जला दिया गया। बुरी तरह झुलस गई लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
पीड़ित लड़की की हालत अस्पताल में अब भी नाजुक बनी हुई है। पीड़ित परिवार ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित लड़की के घर वालों का आरोप है कि जिस लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया है उससे शादी होने वाली थी, लेकिन लड़के ने धोखे से लड़की को बुलाया, पहले तो उसकी इज्जत तार-तार की और फिर जिंदा जला दिया। पीड़ित लड़की की बहन ने बताया कि लड़के ने लड़की को बुलाकर रेप किया, फिर कहा कि वो शादी नहीं करना चाहता, उसके बाद लड़की को आग में झोंक दिया। कौन सा ऐसे डेढ़ करता है, रात भर रखा फरमान ने उल्टा सीधा काम करा, उनके बाप ने पप्पू ने और उनके शकील ने फूफा ने तीन चार लोगों ने करा। उन्होंने कहा शादी नहीं करोगे, उन्हें शादी तो कराएंगे नहीं तुम्हारे साथ। हम नहीं ठीक है, हम तो घर वालों से कहेंगे, उसमें उनको पकड़ कर बैठा रखा। इटावा में पीड़ित लड़की के घर वालों के बयानों से अलग एडीजी अरुण कुमार का कहना है कि लड़के वालों ने शादी से इनकार किया था, इसलिए लड़की ने खुद को आग लगा ली। उनके लड़के वालों के घर पे गई और लेडी से रिक्वेस्ट किया कि हम और कहीं नहीं शादी कर सकते हैं और मैं यहीं शादी करना चाहती हूँ। उन लोगों ने जो है वो यही कहा कि नहीं, उसमें तो हम यहाँ नहीं, मतलब दहेज की शादी नहीं हो सकती। फिर उस लड़की ने वहाँ पे जो है वो आग लगा लिया, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर ये लड़की वाले आए और लड़के वालों के घरों में आग लगा दी। वहीं प्रतापगढ़ में गवाही से रोकने के लिए रेप के आरोपी ने अपने रिश्तेदारों के हाथों बलात्कार पीड़ित लड़की की जीप कटवा दी, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रतापगढ़ में पीड़ित लड़की के पिता ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हमें लगातार धमकियां मिल रही थी और पुलिस को घटना की जानकारी भी दी गई थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। लाल जी ने धमकी दिया कि ऐसा है, किसी ने थोड़ा समझौता कर लो, हम बोले कि देखिए समझौता नहीं कर पाएंगे, इसलिए मामला कोर्ट में है, जो कुछ करेगा कोर्ट करेगा। तो बोला थोड़ा आपको दिक्कत पड़ेगी, आपको थोड़ा इसको महंगा पड़ जाएगा। तो सर उसके बाद में लड़की का मेरे बयान 24 तारीख का था, इसलिए सर हमको लगता है। प्रतापगढ़ में रेप पीड़ित लड़की की मां ने कहा कि उनकी बेटी की जुबान काट दी गई, हमारा अपराध केवल इतना ही था कि हमने दहेज देने से मना कर दिया था, क्योंकि मेरी 7 बेटियां हैं और हम इतना दहेज नहीं दे सकते। यूपी में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल का बेशर्मी भरा बयान आया है। नरेश अग्रवाल ने कहा कि ऐसे मामले हर राज्य में होते हैं। एसपी नेता कमाल फारूकी ने भी माना कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। कमाल फारूकी ने प्रतापगढ़ की घटना को बेहद शर्मनाक बताया। प्रतापगढ़ की सांसद राजकुमारी रत्न सिंह ने कहा कि पीड़ित लड़की की जीभ में 5 से 6 टाके लगाए गए हैं, अगर पीड़ित परिवार को जान का खतरा है तो वो उनके घर भी रह सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने कहा कि यूपी में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यूपी सरकार को लकवा मार गया है, यूपी में महिलाओं पर जुल्म के साथ साथ सांप्रदायिक हिंसा भी बढ़ती जा रही है। यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि प्रतापगढ़ केस के बाद ये साबित हो गया है कि बदमाशों में यूपी सरकार का कोई भी खौफ नहीं रह गया है। बीएसपी नेता सुधेंद्र बागडोरिया ने कहा कि प्रतापगढ़ और इटावा की घटना तो केवल वानगी है, प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ चुके हैं, लोग अखिलेश सरकार से नाराज हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं पेश करने दिया गया तो सड़क पर विधानसभा लगा ली। बकायदा विधानसभा की तर्ज पर अध्यक्ष आसन पर थे और सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल दिया। सड़क पर लगे विधानसभा में भी जमकर हंगामा होने के बाद ये साबित हो गया कि कुछ भी हो जाए नेता हंगामा तो जरूर करेंगे। अशोक गहलोत फेसबुक विवाद पर बाबा रामदेव ने भी ली चुटकी। जयपुर पहुंचे बाबा रामदेव ने कहा राजस्थान सरकार केवल फेसबुक पर लाइन करने में ही बिजी है। 17 जून को भारतीय इलाके में निगरानी कैमरे हटाने के बाद लद्दाख के चुमार इलाके में भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी। ये कैमरे फ्लैग मीटिंग के बाद चीनी सेना ने वापस कर दिए थे। घुसपैठ 17 जून को तब हुई जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय इलाके चुमार में घुस आई, निगरानी बंकरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने चीनी इलाके तक देखे जा सकने वाले उपकरणों के तारों को भी काट दिया।
मशहूर टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी आज दूसरी शादी करने जा रही है। श्वेता तिवारी ने अपने बॉयफ्रेंड अभिनव कोहली को जीवन साथी चुना है। मुंबई के बांद्रा में श्वेता तिवारी के हाथों में मेहंदी सजी, नाच गाने के साथ श्वेता ने अपने हाथों में मेहंदी रचाई। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने खुद भी मेहंदी की रस्म ठुमके लगाई। मेहंदी में श्वेता ने कई करीबी और दोस्त उनके साथ मौजूद थे। 32 साल की श्वेता तिवारी अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रही हैं। इस मौके पर वो काफी खुश नजर आ रही हैं। मेहंदी की रस्म में उनकी बेटी भी मौजूद थी। ये श्वेता तिवारी की दूसरी शादी है। श्वेता ने पहली शादी राजा चौधरी से रचाई थी, लेकिन ये शादी कामयाब नहीं हो पाई और दोनों को अलग होना पड़ा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के तहत विभिन्न तकनीकी कंपनियों की 3,300 करोड़ रुपए की निवेश योजनाओं को मंजूरी दी है। नई नीति के तहत निवेश की मंजूरी हासिल करने वाली कंपनियों में सैमसंग और ऑटो कलपुर्जा निर्माता बॉश इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। राशि के नोट जारी करने के लिए आरबीआई को केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। आरबीआई गवर्नर जी सुब्बाराव ने कहा, मंजूरी मिलते ही सबसे पहले 10 रुपए के प्लास्टिक के नोट जारी किए जाएंगे। आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंफोसिस का शुद्ध लाभ पहली तिमाही के खत्म होने पर 3.7% बढ़कर 2,374 करोड़ रुपए पहुंच गया है। बीते वित्त वर्ष की इसी वक्त में उसे 2,279 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। हिंदी दैनिक अखबार लोकमत समाचार का प्रकाशन करने वाले लोकमत मीडिया ने मध्य प्रदेश में भी एंट्री की। मुंबई की एक विज्ञापन कंपनी की अनूठी पेशकश, 6 लाख से कम कीमत की कार खरीद पर चुकाएगी 3 साल की ईएमआई, बदले में कार के 60% हिस्सों पर छपेगा विज्ञापन।